हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल सीबी कॉन्सेप्ट। दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन प्रोसेस स्टार्ट टू फिनिश। मतलब दोस्तों जो बिल्डिंग बनती है तो उसमें दोस्तों कितने कंपोनेंट्स आते हैं, और दोस्तों सबसे नीचे वाला कंपोनेंट कौन सा होता है, सबसे ऊपर वाला कंपोनेंट कौन सा होता है, और दोस्तों वो जो सारे कंपोनेंट है, ठीक है, बिल्डिंग में दोस्तों बहुत सारे कंपोनेंट्स आते हैं, तो फुटिंग से लेके टॉप तक के सारे जो कंपोनेंट है उसकी डिटेल, उसके डायमेंशन, सारी डिटेल दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। उससे पहले दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और दोस्तों बेल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन करिए जिससे मेरे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो दोस्तों ये है हमारा बिल्डिंग का मॉडल। दोस्तों ये जो है ये फ्रेम स्ट्रक्चर है, राइट, मतलब इसमें कॉलम, बीम, फुटिंग, ये सारे जो कंपोनेंट है वो तो होने ही वाले हैं। लोड बेरिंग में सिर्फ दोस्तों वॉल फुटिंग होती है, वॉल लोड बेरिंग वॉल होती है, ठीक है। तो कोई भी बिल्डिंग दोस्तों बनती है तो सबसे पहले दोस्तों इसका जो फ्रेम स्ट्रक्चर है तो वो कुछ इस तरह से दिखता है, ठीक है। तो बिल्डिंग जो होती है उसके जो मेजर कंपोनेंट्स होते हैं वो होते हैं दोस्तों, सबसे पहले नीचे आता है फुटिंग, फुटिंग के बाद पेडेस्टल कॉलम, मतलब फुटिंग कॉलम, उसके बाद दोस्तों ग्राउंड बीम या फिर प्लिंथ बीम या फिर आप ग्रेड बीम उसे बोल सकते हैं, ये सारे कंपोनेंट होते हैं, वो डिपेंड्स करता है कंडीशन पर। उसके बाद प्लिंथ हाइट आती है, उसके बाद जो स्लैब आता है आरसीसी का, राइट, फ्लोर स्लैब आता है, उसके बाद हमारे बीम आते हैं, ठीक है, बीम के बाद बीम कॉलम, उसके बाद फिर से स्लैब, राइट, मतलब ये जो सीक्वेंस है आगे बढ़ती रहती है। सबसे मुश्किल काम दोस्तों बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में होता है वो फुटिंग वाला होता है। एक बार जो बिल्डिंग है वो फुटिंग से ऊपर आ जाए, राइट, और ग्राउंड फ्लोर कंस्ट्रक्ट हो जाए तो ऊपर का काम बहुत आसान हो जाता है, ठीक है। इसीलिए दोस्तों बहुत सारे जो बिल्डर होते हैं वो बारिश से पहले अपना जो फुटिंग है उसको ग्राउंड लेवल के ऊपर लाने की ट्राई करते हैं, जिससे दोस्तों बारिश में भी उनका जो प्रोजेक्ट है वो अच्छे से चल सके, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने क्या किया, एक 3D मॉडल बनाया हुआ है कि अगर बिल्डिंग जो होती है, ठीक है, ऊपर से तो हमको कुछ बहुत अच्छी दिखती है पर नीचे जो है उसका जो बेस मजबूत होता है, ये जो इस तरह से फुटिंग बनाई गई है इस वजह से वो जो फुटिंग है, वो जो बिल्डिंग है वो मजबूत होती है। अब इसके अंदर ये जो पोर्शन होता है ये वाला, तो ये उसका फुटिंग है, और ये आप इसको फुटिंग कॉलम बोल सकते हैं या फिर इसको आप पेडेस्टल कॉलम भी कई जगह बोला जाता है, ठीक है। और सबसे नीचे होता है उसका PCC वर्क, ठीक है। PCC बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। PCC से क्या होता है कि हमारा जो फुटिंग है डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में नहीं आता सॉइल से, जिससे दोस्तों उसको प्रोटेक्शन मिलता है मॉइस्चर से, और जो मतलब कोरोजन होने से वो बच जाता है, ठीक है। तो हम वन बाय वन आप क्या करेंगे कि हमारे जो बिल्डिंग है, हमारी जो ये फ्रेम स्ट्रक्चर वाली बिल्डिंग है उसके कंपोनेंट हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे नीचे यहाँ पे आप देख सकते हैं, सबसे नीचे वाला जो कंपोनेंट है उसकी साइज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि देखिए ये हमारा फुटिंग वाला पोर्शन है, ठीक है, ये हमारा फुटिंग है, और ये जो पोर्शन है इसको दोस्तों फ्लैट सोइलिंग लेवलिंग भी कहा जाता है, और ये PCC वर्क जनरली बहुत आसान भाषा में कहा जाता है। तो फ्लैट सोइलिंग लेवल या फिर दोस्तों PCC जो है यहाँ पे 3 इंच का यहाँ पे PCC आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो सबसे नीचे होता है, अगर आपको इंटरव्यू में क्वेश्चन भी पूछा जाए कि सबसे नीचे जो बिल्डिंग है उसके क्या है, या फिर पहला स्टेप जो है एक्सकैवेशन के बाद हम लोग क्या करते हैं, तो हम लोग PCC करते हैं, तो 3 इंच का यहाँ पे PCC दिया गया है। उसके बाद यहाँ पे देखिए फुटिंग की हाइट कितनी है, करीबन 1.5 फीट के करीब हमारी ये फुटिंग है, ये आइसोलेटेड कॉलम फुटिंग है, आइसोलेटेड स्लोप कॉलम फुटिंग, क्योंकि यहाँ पे स्लोप दिया गया है, ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे स्लोप दिया गया है, ठीक है। तो फिटिंग ये जो फुटिंग है उसकी जो थिकनेस है वो करीबन 1.5 फीट के करीब, मतलब करीबन आप समझ लीजिए 18 इंच के बराबर है, ठीक है। उसके बाद आप ऊपर आओगे तो ये स्लोप पोर्शन भी करीबन दोस्तों कई जगह पे दोस्तों 1 फुट का होता है, या 6 इंच का भी आप बोल सकते हैं, पर मिनिमम दोस्तों ये डिपेंड्स करता है कि हम जो फुटिंग की जो बॉटम बेस है, ये फुटिंग का बेस आप उसे बोल सकते हैं, ये बेस की थिकनेस पर ये स्लोप डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये जो है करीबन 6 इंच का है, और यहाँ पर देखिए ये है हमारा जो फुटिंग है उसका टॉप, ठीक है, फुटिंग टॉप। उसके बाद ये जो कॉलम है उसको पेडेस्टल कॉलम भी बोला जाता है या फिर फुटिंग कॉलम भी बोला जाता है। तो ये करीबन हम डिपेंड करता है कि हमें प्लिंथ हाइट कितनी लेनी है ग्राउंड लेवल से, ठीक है। तो ये करीबन यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो लिया गया है, ठीक है, ये जो है करीबन
अगर आपको दिखाई दे रहा होगा तो ये करीबन 6 फीट का यहाँ पर है, ठीक है। और उसके बाद ये हमारा फिटिंग कॉलम, देखिए PCC हो गया, उसकी फुटिंग का बेस हो गया, उसके बाद उसका टॉप, फिर फुटिंग कॉलम। अब आता है कि हमारा ये क्या है, ये पोर्शन जो है ये है हमारा ग्रेट बीम, ठीक है। ग्रेट बीम कई बार दोस्तों ग्राउंड बीम भी होता है, प्लेन बीम इसके ऊपर आता है, ठीक है। तो ये ग्रेट बीम है जो ग्राउंड लेवल से थोड़ा ऊपर होता है। तो ग्रेट बीम जो यहाँ पे करीबन 1 फुट और 4 इंच, 1 फुट और 4 इंच मतलब करीबन दोस्तों ये 16 इंच का यहाँ पे ग्रेट बीम बना दिया गया है। मतलब जो ग्रेट बीम है उसकी डेप्थ जो होगी, ये जो डायमेंशन है वो करीबन 1 फीट और 4 इंच मतलब 16 इंच के करीब है, ठीक है। तो ये ग्रेट बीम हो गया। उसके बाद उसके ऊपर आती है हमारी प्लिंथ हाइट। तो ये जो हाइट है वो प्लिंथ हाइट है, तो ये करीबन 2 फीट है, डिपेंड्स करता है बिल्डर पे और डिज़ाइन पे। ये यहाँ पे दोस्तों यहाँ इन्होंने दिया है 2 फीट की प्लिंथ हाइट दी है, राइट। और उसके ऊपर आता है ग्राउंड फ्लोर स्लैब, ठीक है। जो ग्राउंड फ्लोर स्लैब करीबन दोस्तों 5 इंच का है, तो ग्राउंड फ्लोर स्लैब पूरे ग्राउंड जो हमारा कवर है, ठीक है। तो ग्राउंड फ्लोर जो है उसका स्लैब करीबन कितना है, 5 इंच का, ठीक है। तो मेजर कंप्लीट हो गए, बहुत ज़्यादा नहीं है दोस्तों। इसमें इंटरव्यू में भी आपको बहुत बार पूछा जाता है कि डिस्क्राइब द नेम ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ बिल्डिंग, फुटिंग से लेके टॉप तक का। तो आप इन 5-6 नेम नाम ले सकते हैं, जैसे कि PCC हो गया, फुटिंग बेस हो गया, पेडेस्टल हो गया, राइट, उसके पेडेस्टल कॉलम या देन ग्रेट बीम, उसके बाद प्लेन, उसके बाद हम ग्राउंड फ्लोर स्लैब, ठीक है। उसके बाद दोस्तों ये जो बिल्डिंग है, उसके बाद देखिए, उसके बाद यहाँ पे हमारे कॉलम आ जाते हैं, ठीक है। तो कॉलम जितने भी फुटिंग होंगे उतने कॉलम ऊपर आएंगे, ठीक है। कॉलम ऊपर आएंगे और फिर से दोस्तों यहाँ पे जॉइंट हो गए हमारे बीम को। तो ये हमारे बीम है, ठीक है, ये हमारा बीम है। तो उसकी भी साइज़ देख लीजिए, जो ग्रेट बीम था उसकी साइज़ करीबन यहाँ पे 16 इंच थी, पर ये जो है ये करीबन कितना हो गया, 22 इंच का है। मतलब हम लोग चाहते हैं कि हमारा जो बिल्डिंग है ऊपर की तरफ ज़्यादा मजबूत हो, ठीक है। तो करीबन 22 इंच का यहाँ पे बीम है और जो स्लैब की थिकनेस है वो 5 इंच ही रहेगी थ्रू आउट दी कॉन्स्टेंट, ठीक है। और जो ये हाइट इंडिकेट करता है कि फर्स्ट फ्लोर का जो स्लैब है उसके टॉप से लेके ऊपर तक जो है दोस्तों वो करीबन 1 फीट के करीब है। बीम का जो बॉटम है वहाँ तक 1 फीट लिया है, ठीक है, जिससे दोस्तों हमें क्लियर जो स्पान है वो अच्छा मिले। तो ठीक है दोस्तों, तो ये है हमारा बिल्डिंग पूरा फ्रेम स्ट्रक्चर। इसके जो कंपोनेंट है मैंने आपको बता दिए कि जो बिल्डिंग होती है, ठीक है, ये फ्रेम स्ट्रक्चर वाली, तो वो कुछ इस तरह से दिखती है, ठीक है। तो ये बहुत इजी काम है, अगर सिविल इंजीनियर के आप साइट सुपरविजन में भी काम करते हैं तो बहुत आसान काम है। एक बार फुटिंग से ऊपर काम आ जाए तो उसके बाद कॉलम भरते हैं, ठीक है, कॉलम और बीम, उसके बाद स्लैब, मतलब बहुत आसानी से जो ये स्ट्रक्चर है वो